हेलो एंड वेलकम टू आरजे 19 हॉर्स वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भूपेंद्र सिंह भाटी और हम लोग हैं श्री मुक्तसर साहेब मेले में। आज मेरे पीछे का हाल आप देख सकते हैं, आज लोहड़ी है और हमारे राजस्थान की तरफ उसको तिल संक्रांत बोलते हैं और मकर संक्रांति की सभी मेरे दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। लोहड़ी की सभी मेरे दोस्तों और वीरों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेले का आज कुछ हाल लाल कुछ इस तरीके का है। बहुत ही अच्छा मौसम, कोहरे का मौसम है। इस वक्त दोपहर हो रही है लेकिन ठंड अपने शबाब पर है। आप देख सकते हैं कि मेला बहुत ही खूबसूरत भरा हुआ है। यहाँ पर, यहाँ मेरे पीछे आप घोड़ियों को देख के चेक कर सकते हैं कि ना सिर्फ बंदे घोड़ियाँ भी पूरी तरह से कवर्ड हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पूरी तरीके से जानवर बाहर रखे हैं मेले की वजह से। लेकिन यहाँ पर ठंड का आलम ऐसा है कि इस वक्त दोपहर का वक्त है लेकिन घोड़े अभी भी पूरी तरह से कवर्ड हैं। और मेला अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेले का भी हाल ये है, पैर रखने की जगह नहीं है मेले में, लेकिन जानवर कुछ कम बाहर निकले हुए हैं। आप उस तरफ भी देखिए, एक खूबसूरत एक घोड़ा है जो कि लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम लोग हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर ये खूबसूरत अश्व यहाँ पर हमारे साथ में है लेकिन अभी पूरी तरह से कवर्ड है। आप चेक कर सकते हैं, इन घोड़ों को पूरी तरह से कवर कर दिया गया है जस्ट बिकॉज वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड है यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं आपको ये घोड़े बैक टू बैक दिखा देता हूँ एक बार और बाकी मेले का हाल भी आज आपको दिखाएंगे। अभी ये रश दिखाना मुझे अच्छा लगा कि आपको दिखाऊं कि यहाँ पर घोड़ों को ठंड में किस तरीके से रखा गया है। एज यू कैन सी यहाँ पर मेरे पीछे लाइन से आपको पशु दिखाई दे रहे होंगे लेकिन हर एक पशु को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। तो या बन रही हमारे साथ आरजे 19 हॉर्स वर्ल्ड पर और हम आपको दिखाएंगे मेलों से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ और बात करेंगे कुछ खूबसूरत घोड़ों के मालिकों से और दिखाएंगे आपको एक से बढ़कर एक। सत्रकाल जी, क्या नाम है आपका, क्या परिचय है? सर मेरा नाम है जी जशनप्रीत सिंह गरेवाल। हाँ जी, हाँ जी, मैं पंजाब से लुधियाना, मेरा गाँव है दाद, दाद पिंड है। अबाउट मेरे पास 40-45 एनिमल्स है अभी 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 स्टिल। हाँ जी, प्रेजेंट में सारे मारवाड़ी हैं भाई? हाँ जी, सारे मारवाड़ी हैं। ओके, कहाँ लोकेटेड है अपना फार्म? मेरा मेन लुधियाना में है, सेंटर ऑफ द लुधियाना। ओके, हाँ जी, सिटी के बीच में, सिटी के बीच। वेरी नाइस। तो ये बिग ब्रदर के पीछे क्या मतलब चक्कर है भाई? मेरे जो मेरे पापा और मेरे चाचा जी है ना, वो दोनों ब्रदर्स का मतलब शौक शुरू करा हुआ। उनका शौक था शुरू, तो उन्होंने मतलब ब्रदर्स के हिसाब से। वेरी गुड। इस घोड़े की डिटेल बताइए, क्या है इस घोड़े की डिटेल और सर ये पेडिग्री? सर ये घोड़े का नाम है लालदेव। लालदेव, हाँ जी। और ये घोड़ा हमारे इधर जोधपुर में भी चैंपियन बना था, नकंद में, हनुमानगढ़ में भी चैंपियन बना था, रणसी शो में भी चैंपियन बना था। ये घोड़ा चैंपियन बना था? हाँ जी। अच्छा अच्छा, नकंद में फर्स्ट आया था सारे। और अपने इधर एम्पायर हनुमानगढ़ में मैंने इसको कवर किया था, राइट? हाँ जी, अभी दो दांत में डाला था बच्चेरों में, अभी दो दांत डाला, बिल्कुल बिल्कुल, अभी वहां पर भी ये चैंपियन बना था। और आप मेरे वीडियोस पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही एग्रेसिव बिहेव कर रहा था, बार बार खड़ा हो रहा था, वही घोड़ा। और मुक्सर में भी अभी ये सेकंड आया है। हनुमानगढ़ में इसका सेकंड प्लेस था? हाँ जी, सेकंड प्लेस था ना। हाँ जी, और मुक्सर में कितना? अभी से मुक्सर में भी सेकंड प्लेस था। हाँ जी, हाँ। तो एक बार ये घोड़ा, आप क्या नाम है इस घोड़े का, फेस थोड़ा इस तरफ करो। इसके घोड़े का नाम है लालदेव। लालदेव, और किसका बेटा है ये? सर मेरे पास घोड़ा था रंगबाज। हाँ हाँ, और रंगबाज राज रूप का है, उदयपुर पैलेस में है, उदयपुर पैलेस लाइन में। हाँ जी, तो ये उदयपुर पैलेस लाइन का हो गया। हाँ जी सर, इसका जो दादा है ना वो सुल्तान था, सुल्तान, और इसकी माँ जो अबला घोड़ी है उधर फोटो लगी है, सिद्धराज की, सरताज, सरताज की। हाँ हाँ हाँ, ये सर सिद्धराज घोड़ा। मैं आपको पूरा इस घोड़े का एक लुक दिखा देता हूँ, आप चेक कीजिए। बहुत ही बढ़िया घोड़ा, इसने रिंग में प्रेजेंट भी बहुत बढ़िया किया। तो पाजी कितने टाइम से है घोड़े अपने पास में? मेरे पास में सर अराउंड अबाउट 20-22 साल हो गए। इस तरफ आ जाइए ना, अपड़ो। सो मेरे पास सर अराउंड अबाउट 20-22 साल हो गए घोड़े रखते को। हाँ हाँ, और मेरे पास ये मेरी होम ब्रीड ही है। अच्छा, आपने ही ब्रीड किया? हाँ जी, हाँ जी, आपके घर पे ही ब्रीड हुआ? हाँ जी, हाँ जी, ये मेरी होम ब्रीड ही है। हाँ हाँ, और ये मेरे घर पे ब्रीड हुआ। अच्छा, आपके घर पे ही ब्रीड हुआ? हाँ जी, हाँ। तो अभी यार मतलब कितने सालों से हो आप इस लाइन में? सर मेरे को 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। पहले मेरा नुकरों में काम था, नुकरों के पास मेरे पास
122 जानवर थे नुकरे नुकरे। अच्छा 122 नुकरे थे आपके पास में। और वन ऑफ द फेमस घोड़ा था नुकरों का दिलशेर काकी। हाँ 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 वो मेरे घर से ही गया। दिलशेर काकी तो खैर बहुत ही फेमस नुकरा घोड़ा, आपके नुकरा घोड़ा है। हाँ जी तो वो आपके घर से ही गया। काफी नुकरे घोड़े भी जो है मैंने मेरे घर पे ब्रीड हुए हैं, जैसे पटरीना बशेरी हुई है, महाराणा डोड हुआ है, काफी आपको नाम ले दूंगा जिन मेरे नुकरों से। मारवाड़ी में कैसे स्विच हो गए सर? मैं सारंगखेड़ा शो गया था। अच्छा कितने साल पहले? मेरा राउंड आउट हो गए 6-7 साल। ठीक है ठीक है। तो मैं सारंगखेड़ा गया, थोड़ा गुजरात गया। हाँ हाँ। तो मेरा तो पैशन था घोड़ों का, बिल्कुल मेरा ऐसा नहीं था भी हमारा कोई बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह से थोड़ा मारवाड़ी की डिमांड ज्यादा है। मारवाड़ी की डिमांड, पंजाब में सिर्फ नुकरा ज्यादा माना जाता है, वैसे नुकरा क्या कोई ज्यादा स्कोप और फ्यूचर नहीं है। अच्छा ऐसा आपको, लेकिन नुकरा तो यार पंजाब की ब्रीड है। हाँ जी सर, लेकिन वो ऐसे थोड़ा सा आउट किया है सर, थोड़ा सा नुकरा साइड में रख सकते हैं लेकिन मारवाड़ी की तरफ भी बढ़ना पड़ता है। तो अभी अपने पास नुकरे नहीं है? नहीं सर, अभी सिर्फ मारवाड़ी है। सिर्फ मारवाड़ी है। हाँ जी। तो गाइस देख सकते हैं इतना खूबसूरत बछेरा है। और सर इसका कलर बहुत रेयर है। मेले का पूरा हाल देख सकते हैं यहाँ पे, किस हिसाब से रश है यहाँ पर आज, क्योंकि लोहड़ी और आज मकर संक्रांति का दिन है और मौसम बहुत ही सुहाना, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। इस कलर को क्या बोलेंगे भाई जी? सर इसको कलर को बोलते हैं हम गोल्डन चेस्टनट। गोल्डन चेस्टनट बहुत ही रेयर कलर है, मारवाड़ी में बहुत रेयर मिलता है ये कलर। इसकी ग्रैंड मदर का मतलब इसकी नानी का ये रक कलर था। अच्छा इसके चारों पैर काले हैं, मतलब चारों पैर काले काले पैर है। वो पीछे वाले पैर में जवाब है क्या एक में? नहीं नहीं सर, वो वैसे ही व्हाइटिश था, कलर ही अच्छा है। कलर ही व्हाइटिश था, सिर्फ मुंह पे ब्लेज है सिर्फ। हाँ जी, बाकी पूरा एक रंग का है। और गाइस इसके बाल आप चेक कर सकते हैं, पूरे गोल्डन हेयर का ये बछेरा, बहुत ही खूबसूरत इसके हेयर। तो गाइस मारवाड़ी में ये कलर बहुत रेयर होता है, मतलब 100-200 घोड़ों में एक घोड़ा ऐसा बनता है। तो अभी कितने महीने का हो गया ये घोड़ा सर? अभी ये 30 महीने का हो गया। 30 महीने का हो गया। तो इसकी मेटिंग शुरू करवाई अपन? यस सर, मेटिंग कितने के घोड़े पे छोड़ दिया अभी सर? अभी तो वैसे अभी शुरू करवाएंगे ना, क्योंकि अभी शो वगैरह लग रहे थे, अभी शुरू। अच्छा अभी शुरू की? नहीं नहीं, कर दिया, एक दो घोड़ियां अपने घर की मिलाई है। अच्छा अभी 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 घर की, अभी मुक्सर मेले में तभी लगाया है ना, थोड़ा सा पता लगेगा। और तो यहाँ पर बेसिकली अपन आज मतलब मेले में यहाँ पे दिखाने के लिए लाए हैं। हाँ मतलब यहाँ पे सिर्फ रिंग का ही कॉन्सेप्ट था? नहीं सर, रिंग का भी कॉन्सेप्ट था और दिखाने के लिए लेके आए हैं, क्योंकि हम पुरानी मंडी शुरू से लगाते हैं। हाँ, काफी टाइम होगा, तो इस बार हर साल लगाते ही। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तो आई मस्ट से बहुत खूबसूरत बच्चा है। क्या हाइट कर ली इसने अभी? सर अभी 65 है। 65 है और अभी तो 3 साल का ही हुआ है, अभी मतलब और बढ़ेगा अभी तो, मतलब बॉडी भी और अच्छी सेट होगी इसकी। हाँ जी, हाँ जी सर, इसका ये भी है ना, मतलब इसकी जो मदर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइड से है, वो डायरेक्ट सिद्धराज की है। हाँ हाँ हाँ। तो वो घोड़ी के पहला बच्ची थी, सारा मेरे पास रिकॉर्ड है। ठीक पहली है। बच्ची वो हमने हजूर साहब में दे दिया था बच्चा उसका। ठीक है ठीक। सेकंड उसकी स्वाई सिंह जी चंपात के पास है। हाँ हाँ। घोड़ी है कुंज। हाँ हाँ। अबलक घोड़ी है। बिल्कुल वो है, इसकी बहन लगी मतलब माँ की साइड से। ठीक है ठीक है। तीसरी बच्ची इधर पंजाब में है, वो भी 68 होगी, देवराज से थी। और चौथे सुए का एक बच्ची थी, उसकी डेथ होगी। फिफ्थ मतलब थान का ये बच्चा, फिफ्थ थान का ये बच्चा है। हाँ। तो अभी इसका अगर ब्रीडिंग फीस अगर आप शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में क्या ब्रीडिंग? सर मेरी ब्रीडिंग फीस मैंने इसकी रखती है, इसकी 71,000। 71 स्टार्टिंग में? ज्यादा नहीं भाजी सर हमारा, एक्चुअली हम वैसे लिमिटेड घोड़ियाँ और अच्छे घोड़ियाँ जैसे मिलाएंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता हमारा स्टार्टिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फीस जितनी ज्यादा रखोगे उतना ही मतलब आपका घोड़ा फेमस हो जाएगा, बट मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि जो छोटा किसान है जो एक दो घोड़ी रखता है, अगर इतनी फीस कर दोगे तो मतलब छोटा किसान तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। सर ऐसा होता है सर, हमारे पास जैसे दूसरा घोड़ा भी है मेरे पास उराबर, उसकी फीस रीजनेबल वैसे रखी हुई है। अच्छा दो मेरे पास 3 स्टैलिन है ना अभी। अच्छा अभी आपका 3 स्टैलियन है सर, उस हिसाब से मैंने सबकी फीस मैनेजेबल रखी है, कुछ ऐसा नहीं होता। अच्छा मतलब कोई भी छोटी घोड़ी वाला भी आया तो मैनेज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सर ऐसा नहीं है जैसे 71,000 रखी है जो अपने कोई है, जो थोड़ा सा जैसा गरीब किसान ने मिलानी है तो हम वैसा भी चलते किसान के लिए हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो गाइज 71,000 इस खूबसूरत घोड़े की फीस है, बट नेगोशिएबल हो जाएगी अगर आप किसान हैं तो। किसान मतलब जिसके एक या दो घोड़ी है, जिसके 20 घोड़े बन रहे हैं वो किसान नहीं है। सर जो अफोर्ड कर सकता है वो तो करे, जो नहीं कर सकता वो। चलिए ये बहुत ही खूबसूरत स्टैलियन आप लेके आए, इसके अलावा क्या लेके आए पाजी? सर अभी मेरे पास ये घोड़ा है, हाँ जी सर ये घोड़ा है जोराबर, ये सर डायरेक्ट कालेकांटे का है। सर इसका डायरेक्ट कालेकांटे है, ये सवाई सिंह जी से मैंने खरीदा था। सवाई सिंह जी अपने रणसी वाले? हाँ जी रणसी वाले। अच्छा ओके। हाँ जी सवाई सिंह जी सवाई बना से खरीदा हुआ घोड़ा है। सवाई बना से खरीदा हुआ घोड़ा है। ये डीएन अप्रूव्ड है? हाँ जी हाँ जी सर, ये भी अपना डीएन अप्रूव्ड है। यस सर, इसका फादर का डीएनए, मतलब इसका फादर की डेथ हो गई थी ना, तो वैसे डीएनए तब से हुआ। लेकिन फादर का डीएनए हुआ
तो इसका भी डीएनए भी करवा दिया, करवा दिया जोधपुर में, करवा दिया जोधपुर हॉर्स सोसाइटी से करवा दिया, मारवाड़ी हॉर्स में डलना था ना तब वहां पर। ठीक है ठीक है ठीक है। और इसका भी डीएनए करवा दिया? यस सर, ये भी मतलब अपना हुआ है बराबर। हां हां, बाकी सर ये हाथों में क्योंकि ये माक्षी घोड़ी नहीं है, एक जडेजा जी वाला, उसका सगा भाई समझ लीजिए, दम और माँ की साइड से, बाप और माँ की साइड से, दोनों से। ओके ओके, क्योंकि इसकी मदर काम्या है, वो हंसराज बरकाना वाला की वाले की है, और इसका माक्षी का सगा भाई है। बहुत ही बढ़िया, काले कांटे का, ये डायरेक्ट काले कांटे का हो गया सर, डायरेक्ट काले कांटे का। क्या क्या इसकी क्या हाइट और कितने साल का हो गया? 64 है इसकी हाइट अभी, करंट 64 खड़ा है। और कितने साल का है सर? अराउंड 7 साल का हो गया, 7 साल का, बड़ा घोड़ा है फिर। हां जी, बड़ा घोड़ा है। ठीक है, ये तो मतलब पूरा तैयार घोड़ा है। इसकी क्या ब्रीडिंग फीस है आपकी सर? इसकी 51,000। इसकी 51,000 है। ओके, तो ये भी बहुत ही बढ़िया घोड़ा गाइस, इसके आगे का एक पैर चिट्टा है और बाकी तीन पैर काले, बहुत ही बढ़िया ब्लेज इसके फेस पे, कान वान भी बहुत ही सुंदर इसके। सर अशभ कीर्ति घोड़ी ने भी जो स्वाय बन्ना के पास है, उसने भी इससे बच्चा दिया था। अच्छा, हां जी, उन्होंने वो सेल कर दिया था। हां हां, ठीक है। और मेरे पास अभी काफी रिजल्ट आए हुए हैं। कितने रिजल्ट आ गए इसके सर? मेरे पास हुए अभी 10-12 बच्चे हैं। 10-12 बच्चे, कैसे बच्चे दे रहा है सर? अबलग घोड़ी पे भी काला माथे पट्टे वाली बच्ची दे रहा है। अच्छा, अबलग घोड़े पे भी काला बच्चा दे रहा है? हाँ जी। और सर राउंड बोर्ड अबलक भी दे रहा है, पंच कल्याण भी दे रहा है, और अगले बार जो हम लक्ष्मी कदम नहीं बोल देते, सवाई बन्ना ने वो बच्चा बेचा, उनके पास आया था लक्ष्मी कदम। लक्ष्मी कदम आया था, लक्ष्मी कदम तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर बच्चा होता है सर, बहुत मतलब कर्मों वाला मानते हैं। बहुत कर्मों वाला मानते हैं, सही बात है। वो इसका मतलब वो बच्चे भी इसके आए हैं, सभी मार्किंग में आई हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। बाकी सर प्रूफ करता है ना अपने आप को, जो भी जो घोड़ा। आपके पास कितने टाइम से है ये घोड़ा? मेरे पास 2 साल हो गए। 2 साल हो गए अभी इसको कोई सेल वेल करने का हाथ धोना पकड़ो हाथ अभी इसको कोई पकड़ने का आपको मतलब इसको सेल वेल करने का कोई प्लान है? नहीं सर, अभी तो कोई विचार नहीं है, चल रही है। गाइस एक बार मैं ये घोड़ा दिखाता हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत इस घोड़े की पूरी बनावट मैं आपको चेक करवा देता हूँ, एक बार देखिए। और इस घोड़ों को देखने के लिए जितने भी लोग जुड़े हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, इस घोड़े की बनावट पूरा 7 साल का एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा ये आपके सामने है। तो पाजी इसके बच्चे बच्चे सेल पे है कोई? हाँ जी सर, बच्चे वगैरह तो जैसे हमारा ब्रीडिंग चलती रहती है, ये अभी सेकंड बच्चे आने लग गए अगले सीजन के, तो सर सेल वगैरह तो हम करते हैं, मतलब ब्रीडिंग करते हैं तो सेल वगैरह तो करना ही पड़ता है, ऑफ कोर्स करने पड़ेंगे। हाँ जी हाँ जी। अभी फार्म पे ओवरऑल कितने घोड़े घोड़ी खड़े सर? अभी मेरे पास 45 है। 45 एनिमल खड़े सारे मारवाड़ी? हाँ जी सारे। तो स्टैलिन ये 2 है? ये स्टैलिन है 2, ये है और एक परमंस का बच्चा है। एक परमंस, वो कितने साल का घोड़ा है? वो सर 3 साल का, वो भी 32 मंथ का है। ओके ओके। और उसके बाकी सारी घोड़ियां हैं अपने? हाँ जी, बाकी घोड़ियां सारी मतलब काली अबलक और काली सर अबलक का सबसे बड़ा स्टॉक मेरे पास है। अच्छा, अबलक का? हाँ जी, मेरे पास कम से कम 6-7 अबलक घोड़ियां होंगी, काली अबलक। हाँ जी, काली अबलक, खुली अबलक जैसे अपने 6-7 अबलक घोड़ियां मेरे पास अभी। ठीक है, बाकी काली घोड़ियां, तेली घोड़ियां सारे अलग अलग, बरकाना लाइन सारी, ऑलमोस्ट सारी लाइनों की घोड़ियां, सारी लाइनों की मैंने इकट्ठी करी हुई है सर, उस हिसाब से ब्रीडिंग में कर रहा हूँ उसके हिसाब से। तो अपना फुल टाइम जॉब बिजनेस यही है, पूरा टाइम अपन घोड़ों में दे रहे सर? शौक है, कोई बिजनेस नहीं हमारा बिजनेस तो सर, ये तो बोलने वाली बात है, शौक तो दो घोड़ों का होता है, 50 घोड़ों का शौक नहीं होता सर। ऐसे हुआ, शुरू करा 2 घोड़ों से, बढ़ता गया। ऑफ कोर्स वो मैं समझ गया, शौक भी है, बट अभी के टाइम पे, करंट टाइम पे तो बिजनेस सर एक बिजनेस तो उसको बोलेंगे जो बंदा सेल और परचेज लेके करता है। हाँ। जो ब्रीडिंग करके सर मैंने कभी लेके बेचा नहीं, लेकिन अपन ब्रीडिंग करके भी बच्चा बेचेंगे ही ना जी, घर में कितने बच्चे खड़े कर लो, वो तो है सर, वो तो है ही ना, बिजनेस है तो बिजनेस है, बोलने में कोई इशू नहीं सर, बिजनेस होता क्या है पाजी? देखो शौक, शौक मेरे जैसे बंदे का जिसके पास एक घोड़ी खड़ी है, नहीं सही है, जिसके पास 50 जानवर 122 जानवर आप कह रहे हो नुकरे में खड़े हैं, तो वो शौक नहीं है, नहीं, शौक ऑफ कोर्स है, लेकिन बिजनेस भी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा बिजनेस है, हेल्दी बिजनेस है, बहुत अच्छा। तो अब अगर आप जैसे सीनियर लोग अगर ये नहीं बताओगे तो नया बंदा जुड़ेगा कैसे? नहीं सर, ये अगर मेरे से आप ये चीज में गाइडेंस मांगो तो सर बहुत अच्छा शौक है। हाँ। और सर सबसे अच्छा मतलब टाइम डिवोटेड और सर बहुत अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करके आपको बहुत अच्छा शौक है, अच्छी अच्छी लोगों से आपकी आपकी जान पहचान होती है, बहुत अच्छी है, पैसा भी इसमें डिसेंट पैसा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी सर, खर्चा भी है, खर्चा भी है, वो तो देखो हर बिजनेस में होता है, कभी नफा कभी नुकसान, वो तो हर बिजनेस में होता है। बहरहाल अभी ये मुक्सर मेले में सिर्फ ये 2 जानवर लेके आए, तो यहाँ से आपका और कौन से मंडी या कौन से मेलों में जानवर लेके जाते हैं? जितने भी मंडी हमारे में जैसे लगती है, मुक्सर की होगी, जगराओं वाली होगी, वो मंडी अपनी ज्यादा फेमस है, अभी पुष्कर वगैरह की मंडी लग के आई, ठीक है, वो मंडियां 3-4 ये मंडी अगर शो तो सारी देखते हैं हम लोग, जैसे लालदेव है तो सारे शो ही जाएगा, अभी इसके बच्चे तैयार हो गए हैं जोरावर के, वो बच्चे अभी सारे शो में जाएंगे। कितने बच्चे खड़े हैं अभी? मैं सर जो अभी करंट शो में डल रहे हैं वो 5 है, 5 बच्चे खड़े हैं, मतलब जो शो में डल रहे हैं खड़े, तो मेरे पास 10-12 है इसके, तो वो सेल नहीं करने वाली सर? वो सेल करने जैसे हमारा तो रखा होता है सर, आप कोई होता है कोई है मतलब स्टॉक है, अगर बाई चांस अगर आपको अगर कोई बंदा लेना चाहे इसका बच्चा आपके काले कांटे का,
तो स्टार्टिंग प्राइस क्या क्या प्राइस का बच्चा सोचे कि मतलब घोड़ा मैंने दिखा दिया है हाँ जी, बहुत अच्छा काला काटे का डीएनए अप्रूव्ड घोड़ा है, इसके 10 बच्चे आपके बच्चे बच्चे दोनों खड़े हैं, तो कोई आए तो क्या मानस बना का सर? हमारा ऐसा होता है जी, हमारे जैसे पहली बात तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, हर चीज पे क्वालिटी पे डिपेंड करता है। सामने दिख रही है हाँ जी, मतलब जो भी बच्चा होगा सर, मेरे पास स्टार्टिंग प्राइस लगा लीजिए अब 7 से 10 लाख से स्टार्टिंग होती है, 7 से 10 लाख से बच्चा स्टार्ट हो जाता है। बच्ची सर, बच्ची में भी सेम प्राइसिंग क्वालिटी प्राइस। सो गाइज, ये है बिग ब्रदर स्टड फार्म से हमारे साथ, एक बार क्या शुभ नाम आपका सर? जशनप्रीत सिंह गरेवाल। जशनप्रीत सिंह जी गरेवाल साहब, जिनके पास खूबसूरत घोड़े हैं मारवाड़ी, और काफ़ी अच्छा कलेक्शन घोड़ों का और काफ़ी अच्छी नॉलेज है इनको। अगर आप इस खूबसूरत काले कांटे के घोड़े से अगर आप अपनी घोड़ी को ब्रीड करवाना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपको काला कांटा लाइन का अगर कोई बछेरा है, मेरे पास सारी लाइन के हैं, सारे लाइन के हैं, दलबाग के, काले कांटा के, इसके जोरावर के, परमंस के, जो भी मतलब सारी घोड़ियों से मैं ओवरऑल ठीक है। तो अगर आपको किसी भी लाइन का बछेरा है, बछेरी भी खरीदनी है, तो आप आके इनसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार आप अपना पूरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर बताना चाहे तो बता सकते। सर मेरा नाम है जी जशनप्रीत सिंह गरेवाल, मेरा सर लुधियाना में गांव पड़ता है, विलेज दाद जी, ठीक है, लुधियाना में मेन सेंटर ऑफ द सिटी है ये, ठीक है। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है सर 8729070042। ठीक है, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि और भी अच्छे खूबसूरत घोड़े आपके दोनों ही घोड़े प्रोड्यूस करें और आपका नाम करें। ये बहुत ही खूबसूरत आपका घोड़ा, आगे पूना होना शो में भी लग रहा है सर? पूना में तो फिर जोधपुर आ जाएगा ना साथ में, हाँ, साथ तो में फिर उसके बाद हमारे पंजाब में जोधपुर आ रहे हैं आप? हाँ जी जोधपुर आएंगे। ठीक है, तो जोधपुर में मुलाकात होगी जरूर, मैं भी जोधपुर से ही हूँ तो जोधपुर जरूर मिलेंगे, इस घोड़े को कवर करेंगे। लाल रतन नाम है, लाल देव सर, लाल देव नाम का ये, लेकिन भाई नाम तो कलर तो इसका गोल्डन है और आपने नाम लाल रख दिया इसका, क्योंकि लाल रतन नाम का बहुत फेमस घोड़े हैं। हाँ जी, ठीक है, बहरहाल बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है, बहुत ही यूनिक कलर का मारवाड़ी घोड़ा। आप देख सकते हैं घोड़े को देखने के लिए दर्शकों की भीड़, हर कोई इस घोड़े के साथ फोटो कराना चाहता है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, उम्मीद करते हैं वापस आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। तो गाइज, ये है श्री मुक्तसर साहिब मेला, हम लोग हैं RJ19 हॉर्स वर्ल्ड, बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे श्री मुक्तसर साहिब मेले का हाल।